ओम नमः शिवाय। माटी वाली इस पाठ में कल हमने लेखक परिचय के साथ साथ पाठ के मूल भाव विस्थापन की समस्या के बारे में जाना था। आज हम पाठ पढ़ेंगे माटी वाली। माटी यानी मिट्टी। यहाँ पर जो महिला मिट्टी बेचने का काम करती है उसका नाम माटी वाली है। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। यहाँ पर टिहरी शहर की बात हो रही है। टिहरी शहर में एक मोहल्ला है सेमल का तप्पड़। उस मोहल्ले के आखिरी घर में वो जो माटी वाली है वो वहाँ पर पहुँचती है और अपने दोनों हाथों की सहायता से वो अपने सिर पर रखा मिट्टी से भरा हुआ जो कनस्तर है उसको नीचे उतारती है। और लेखक कह रहे हैं कि टिहरी शहर में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर को वो माटी वाली नहीं जानती हो, या टिहरी शहर में जो उस मोहल्ले में रहने वाले जो लोग हों वो उस माटी बेचने वाली को नहीं जानते हों। घर के सभी निवासी और जो किराएदार हैं, जो बरसों से वहाँ रहते आ रहे हैं, उनके साथ साथ उनके जो बच्चे हैं वो भी उस माटी वाली को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। वो जो माटी वाली है वो प्रत्येक घर में लाल मिट्टी देने का काम करने वाली केवल इकलौती महिला है और उसका कोई भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है, कोई भी उसका विरोधी नहीं है। और उसके बगैर ऐसा लगता है कि यदि वो नहीं रहेगी तो टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लेखक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस समय जो घर होते थे वो अधिकतर कच्ची मिट्टी से बने होते थे और मिट्टी कच्चे घर होने के कारण जब उनकी लिपाई पुताई का जो काम होता था वो उसी मिट्टी की सहायता से किया जाता था। जब भी जिस तरह से हम लोग किचन में भोजन जब खाना बनाते हैं, खाना वाना बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि रसोई को साफ़ करते हैं, गैस पोछते हैं, उसी तरह से जो मिट्टी से बने चूल्हे होते हैं खाना बनाने के बाद उसको उसकी जो पुताई होती है वो उसी मिट्टी की सहायता से होती है। तो लोगों का ऐसा मानना था कि यदि वो माटी वाली नहीं रहेगी तो उनके घरों में शायद चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकी की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। जैसा मैंने अभी बताया था कि भोजन बनाने के बाद चूल्हे की लिपाई पुताई का काम उसी मिट्टी की सहायता से होता था और वो मिट्टी लेकर के आने वाली वो माटी वाली ही थी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। जिस तरह से हर दिन खाने की व्यवस्था और खाना रोज की एक समस्या है, उसी तरह से दूसरी एक समस्या थी जो घर का चूल्हा था उसको रोज लीपने पोतने की भी समस्या थी। अगर मिट्टी ना मिले तो घर का चूल्हा जूठा ही रह जाएगा, खाना बनाने के बाद उसकी लिपाई पुताई नहीं हो पाएगी। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल दो साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की ज़रूरत पड़ती है। लेखक कह रहे हैं कि प्रतिदिन तो मिट्टी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी चूल्हा लीपने के लिए। इसके अलावा जो कच्चे मकान थे उन मकानों की जो दीवारें थी वो भी मिट्टी की बनी हुई थी, तो उनकी देखभाल के लिए उनकी लिपाई पुताई के लिए भी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी। और उस शहर में कहीं भी माटा खान नहीं है। माटा खान वो स्थान जहाँ से मिट्टी खोद करके वो माटी वाली ले करके आती थी। और माटा खाना क्यों नहीं है, क्योंकि जो टिहरी शहर है वो भागीरथी और भीलांगना दो नदियों के तटों पर बसा हुआ है और उस शहर की जो मिट्टी है वो बहुत ही रेतीली है, रेत से भरी हुई है। और रेतीली होने के कारण उससे जो चूल्हे हैं उनकी लिपाई का काम नहीं किया जा सकता था। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जो
नए लोग आते थे किराए के मकान में रहने के लिए, तो जब माटी वाली वो उस घर के आंगन में मिट्टी लेकर के जाती थी और वो उसको देख लेते थे, तो फिर कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होती थी, वो स्वयं ही उसके ग्राहक बन जाते थे। क्यों? क्योंकि अपने घर के चूल्हे और दीवारों की लिपाई पुताई करने के लिए उन्हें भी लाल मिट्टी की आवश्यकता पड़ती थी और उस आवश्यकता की पूर्ति का एकमात्र माध्यम वो माटी वाली ही थी। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। अब वो बता रहे हैं कि माटी वाली कौन थी। वो घर घर जाकर लोगों के घरों में जाकर के माटी बेचती थी और वो नाटे कद की एक हरिजन महिला थी। नाटे कद की यानी छोटे कद की एक हरिजन महिला थी और उसे ही लोग माटी वाली के नाम से जानते थे। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। लेखक कह रहे हैं कि उस शहर में रहने वाले लोग सिर्फ माटी वाली को ही नहीं जानते, बल्कि वो जो कंटर यानी जो कनस्तर जिसमें वो मिट्टी भर के लाया करती थी, वो उसके कनस्तर को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़ कर बनाए गए एक गोल डिल्ले वो कनस्तर अपने सिर पर जब रखती थी, तो कनस्तर के नीचे क्या करती थी कि रद्दी कपड़े पुराने कपड़े को मोड़ करके एक गोल आकार में रख कर बना करके उसको सिर के ऊपर रखती, और उसके बाद वो उस कनस्तर को मिट्टी से भरे हुए कनस्तर को अपने सिर पर रखती थी। उस कनस्तर के ऊपर कभी किसी ने कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है, और जब वो कनस्तर प्रयोग करती थी तो उसको प्रयोग करने से पहले क्या करती थी कि वो उसके ढक्कन को काट करके निकाल के फेंक देती थी। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती थी, और वो ऐसा इसलिए करती थी क्यों, क्योंकि उसे मिट्टी भरने में कोई असुविधा न हो, इसलिए वो क्या करती कि जो कनस्तर का ढक्कन था उसको निकाल करके काट करके फेंक देती थी। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। माटी वाली अपने कनस्तर को जैसे ही ज़मीन पर रखती है, वैसे ही सामने के घर से एक 9-10 साल की छोटी सी लड़की जिसका नाम कामिनी था, वो दौड़ती हुई वहां माटी वाली के पास पहुंचती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है, मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। और वो जो बच्ची जिसका नाम कामिनी है, वो कहती है उस माटी वाली से कि मेरी माँ ने कहा है कि तुम हमारे घर भी थोड़ी देर के लिए आ जाना। और माटी वाली जवाब उसे देते हुए कहती है कि ठीक है, मैं अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया, और जिसके घर में वो मिट्टी का कंटर कनस्तर लेकर के आती है, उस घर की मालकिन वो माटी वाली से कहती है कि वो जो आंगन है उसका कच्चा जो आंगन है, मिट्टी का जो आंगन है, उसी आंगन के एक कोने में उस मिट्टी को उड़ेल देने के लिए रख देने के लिए कहती है। और फिर कहती है कि तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। टाइम यानी टाइम, समय। और फिर वो उस माटी वाली से कहती है कि तू बहुत किस्मत वाली है, बहुत भाग्यवान है जो तू इस समय ठीक चाय के समय पर आई है हमारे घर। भाग्यवान ही भाग्यवान आए खाते वक्त। मतलब जो वो कहती है कि जो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं, जो भाग्यवान होते हैं, वही खाने के वक्त आते हैं। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। और वो जो मालकिन थी वो अपने किचन में जाती है, अपनी रसोई में जाती है और वहां से 2 रोटियां लेकर के आती है। और वो रोटी वो क्या करती है कि उस माटी वाली को दे करके फिर वापस वो अपने किचन में अपनी रसोई में चली जाती है। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।